नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली मिताली एक्सप्रेस के बारे में। भारत और नेपाल के बाद अब भारत और बांग्लादेश के बीच में रेलवे की शुरुआत होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 1 जून से मिताली एक्सप्रेस की शुरुआत हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इस ट्रेन की शुरुआत हो जाने के बाद से दोनों देशों के बीच में सामाजिक रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि आर्थिक मामले में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि कटिहार रेल मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस की शुरुआत 1 जून से होगी, जिसे रेलवे मंत्री दिल्ली से वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की घोषणा से दोनों देशों के बीच में खुशी का माहौल है। इस परियोजना की शुरुआत को लेकर बोलते हुए कटिहार रेल मंडल के सीनियर DCM प्रशांत ने बताया कि मिताली एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा के लिए 8 अलग अलग प्रकार के कोच की व्यवस्था की गई है, जिसमें 4 वातानुकूलित यानी कि AC और 4 चेयरयान लगाया जाएगा। इससे पहले भारत के हल्दियाबाड़ी से बांग्लादेश के चीलाहाटी के बीच में रेल सेवा की शुरुआत की गई थी, जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2020 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किया था। इसके बाद दोनों देशों के समुचित प्रयास के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच में 7 अगस्त 2021 के माल गाड़ियों का परिचालन शुरू किया गया। इसके बाद 27 मार्च 2021 को मिताली एक्सप्रेस को चलाने की घोषणा की गई थी। घोषणा के बाद से ही लोगों के मन में एक उम्मीद जग गई थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में रेलवे की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अब जो घड़ी आ गई है, अब भारत और बांग्लादेश के लोग ट्रेन के माध्यम से आना जाना शुरू कर सकेंगे, यानी कि अपने देश से भारत और भारत के लोग बांग्लादेश आ जा सकेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि पर्यटन के मामले में यह जो कड़ी है, यह भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ही काफ़ी अहम माना जा रहा है। बता दें कि इसी बीच 2 साल से कोरोना काल रहा, जिसके चलते इस परियोजना को आगे बढ़ाने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। अब जब कोरोना के मामले में कमी आ गई है तो इस परियोजना की शुरुआत की जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 1 जून को भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस की दिल्ली से ऑनलाइन माध्यम से हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसकी शुरुआत की जाएगी। इधर इस पूरी खबर को लेकर बिहार यात्री संघ के सचिव मदन लाल मंडल ने बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन के परिचालन शुरू होने से दोनों देशों के बीच में न सिर्फ व्यापारिक बल्कि आम लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इधर सीनियर DCM ने बताया कि भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले 5 लिंक चालू हो गए हैं, जिसमें कि पेट्रोपोल जो कि भारत में है, बेनापोल जो कि बांग्लादेश में है, गेंदे यह भारत में है, दर्शन यह बांग्लादेश में स्थित है, सिंहाबाद यह भारत में है, रोहनपुर यह बांग्लादेश में है और राधिकापुर जो कि भारत में स्थित है, यह भारत के हल्दियाबाड़ी से बांग्लादेश के चीलाहाटी के बीच में स्थित है। बता दें कि इन दोनों स्टेशनों के बीच में 7.5 किलोमीटर की दूरी है। भारत बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस की शुरुआत 1 जून से होने वाली है। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका तक जाएगी। बताया जा रहा है कि यह तीसरी भारत बांग्लादेश ट्रेन सेवा होगी। बताया भी जा रहा है कि ट्रेन से कुल 9 घंटे में न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में आ जा सकेंगे। इन ट्रेनों के बीच की दूरी अगर हम बात करें तो 513 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन जो है डीजल इंजन के माध्यम से चलेगी। तो एक तो यह तय है कि एक व्यापारिक दृष्टिकोण से यह रेल परियोजना जो है एक तो कारगर है ही, दूसरी जो अहम चीज़ है वो यहाँ के लोगों के लिए है। भारत के लोग बांग्लादेश जा सकेंगे, बांग्लादेश के लोग भारत आ सकेंगे। तो ऐसे में जो है व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ सामाजिक दृष्टिकोण और उसके बाद जिस तरह से पर्यटन में विकास देखने को मिलेगा, यह दोनों ही देशों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि पर्यटन के विकास से आर्थिक में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। इजाज़त, धन्यवाद।